हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल अवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए आप लोगों को बताते हैं जितिया व्रत 2022 में कब है। जितिया व्रत 2022 जीवित पुत्री का व्रत, महत्व, तिथि, विधि और कथा। इस साल आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रविवार 18 सितंबर 2022 को है। इसी दिन महिलाएं पुत्र की सलामती के कामना के उद्देश्य से जितिया व जीवित पुत्री का व्रत मनाएंगी। इस व्रत में मां अपने बच्चे को परम कल्याण हेतु 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं इस उपवास में पानी का एक बूंद तक नहीं पीती हैं। यदि ये उपवास पानी से किया जाता है तो ये खुरजुतिया कहलाता है। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवित वाहन का पूजन करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन मास अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री प्रदोष काल में जीवित वाहन की पूजा करती हैं, कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वे पुत्र पौत्र का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देता है। जानते हैं कि जितिया व्रत 2022 में कब है। जीवित पुत्री का व्रत 2022 में कब है। डेट और दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एक दिन पहले अर्थात 17 सितंबर को नहा खाए के साथ जितिया व्रत शुरू होगा। इस वर्ष अष्टमी तिथि 17 सितंबर को करीब 6:15 बजे लगेगी और 18 सितंबर को रात करीब 8:30 बजे तक रहेगी, जिसके कारण 18 सितंबर के 6:15 बजे के बाद से पानी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत के दिन माताएं पितरों का पूजन कर अपने बच्चे के लिए उनका आशीर्वाद भी लेती हैं। इस व्रत को करते समय केवल सूर्य उदय से पहले ही खाया जाता है। सर्गी खाया या पिया जाता है। जितिया व्रत 2022 पूजन विधि। अष्टमी को प्रदोष काल में माताएं जुमुत वाहन की पूजा करती हैं। जुमुत वाहन की कूश से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, नवेद्य, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित करके दोबारा पूजन किया जाता है। इसके बाद मिट्टी और गाय के गोबर से सियारनी और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके मांग में पीला या लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुना जाता है या कथा स्वयं ही पढ़नी चाहिए। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं स्नान, पूजा तथा सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण करती हैं। इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का झोर, चावल, पोई का साग, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। जीवित पुत्रिका का महत्व। कहा जाता है कि एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वही लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों एवं उनकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।